सोया कबाब स्टिक्स एक सोया से बनने वाला मजेदार स्नैक है जिसे आज हम एक यूनिक तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। सोया कबाब स्टिक्स रेसिपी के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हमने लिया है 100 ग्राम सोया जिसे हमने 2-3 बार पानी में धो लिया है। फिर इसे 4 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रख दें जिसके बाद ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इनका सारा पानी निचोड़ कर इन्हें ग्राइंडिंग जार में डाल रहे हैं। अगर 4 घंटों के लिए ना भिगो पाए हों तो 5 मिनट गर्म पानी में भिगोने पर भी ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। सोया डालने के बाद अब इसमें डालें 6 से 8 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्चें। बढ़िया स्वाद और टेक्सचर के लिए हम इसमें 1/2 कप चने की दाल डाल रहे हैं जिसे भी हमने 4 घंटों के लिए पानी में भिगो लिया था। इन सभी को एक साथ ग्राइंड करने पर इनका ड्राई सा मिक्सचर बन जाएगा जिसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें डालें छील कर कद्दूकस किए हुए 2 कच्चे आलू, 1 बारीक काटा हुआ प्याज, 1/2 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें ताकि इसके दाने मुंह में ना आए, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सूजी, तकरीबन 10 कड़ी पत्तों को टुकड़ों में काट कर डालें। और 1/3 कप यानी 4 चम्मच गेहूं का आटा डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। इस रेसिपी में हमें दरदरी सी चना दाल अच्छी लगती है इसलिए इसमें हमने सोया और चना दाल को एक साथ ग्राइंड किया है। अगर आप चना दाल की स्मूथ पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करना चाहें तो इन्हें अलग अलग ग्राइंड करें। आटा और सूजी हमने बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इनकी जगह बेसन, मैदा या कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ मिक्स हो जाने पर सोया मिक्सचर तैयार है। तो अब हम इनके शेप्स बनाएंगे। शेप्स बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा ऑयल लगा लें। अब थोड़ा मिक्सचर इस तरह हाथों में लें जिसे हम थोड़ा फैला लेंगे। अब यहाँ हम एक पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर हम इस तरह से सोया मिक्सचर रैप कर लेंगे। इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे और इसकी लंबाई हमने तकरीबन 4 इंच की रखी है। अब इसमें से बड़ी आसानी से पेंसिल निकाल लें और एकदम परफेक्ट सोया कबाब स्टिक की शेप बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारे मिक्सचर की कबाब स्टिक्स बना लेंगे। बताई गई सामग्री से आपके 8 पीसेस बनकर तैयार होंगे। अब हमें सोया कबाब स्टिक्स फ्राई करनी है जिसके लिए एक गरम पैन या कढ़ाई में थोड़ा तेल डालें। जब तेल गरम हो जाए तब गैस मीडियम पर सेट करें और इसमें सोया कबाब स्टिक्स डालकर फ्राई करें। मीडियम गैस पर ये धीरे धीरे अच्छे से पक जाएंगे। पेंसिल इस्तेमाल करके हमने इन्हें बीच में से खाली रखा है जिसके कारण ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे। इन्हें उलट पलट कर हर तरफ से फ्राई कर लें और ये ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करेंगे क्योंकि सोया ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करता। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने पर ये थोड़े क्रिस्पी से हो गए हैं। तो अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। इनका मैक्सिमम ऑयल ड्रेन कर लें और इन्हें अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लें ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन टेस्टी सोया कबाब स्टिक्स को तीखी चटनी के साथ सर्व करें। ये खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप इन्हें बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे।